नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि जो गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं या फिर जो गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए कुछ पांच ज़रूरी टिप्स, जिससे कि हम गार्डनिंग इजीली शुरू कर सकें और उसको जो है ऑर्गेनिक तरीके से अपने टेरेस पे, अपनी बालकनी में अपने ज़रूरतों के हिसाब से सब्जियां उगा सकें। इससे पहले, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक इजीली पहुंचती रहें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का विषय वीडियो। दोस्तों, गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए अपने टेरेस पे, अपने रूफ पे, बालकनी में जो हमें पांच ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसमें पहला पॉट्स, ग्रो बैग या गमला, दूसरा ग्रो बैग के लिए मिट्टी, तीसरी वाटरिंग, फिर उसमें सीड्स और धूप। तो इसको हम क्रमवार समझते हैं। पहले नंबर पे आता है दोस्तों ग्रो बैग्स या पॉट्स का सिलेक्शन। मैं सजेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आप टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप ग्रो बैग को प्रेफर कीजिए, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इसमें वेट कम होता है और पोर्टेबल होता है। आप इसको कहीं भी इजली इधर से उधर आप शिफ्ट कर सकते हो और इसका वेट भी आपके टेरेस पे नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अलग अलग तरह की सब्जियों के लिए, अलग अलग तरह के पौधों के लिए अलग अलग तरह के साइज़ के ग्रो बैग्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आप उसे ले सकते हैं और उनमें उगा सकते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है कि किस ग्रो बैग के साइज, कौन से ग्रो बैग में किस, कौन सी वेजिटेबल्स या कौन से प्लांट्स हम लगाएं। आप ऊपर की साइड में आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। तो मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कि ये जो इस राउंड शेप में ग्रो बैग्स आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लीफी वेजिटेबल्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इनमें आप लीफी वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। बाकी आप छोटे ग्रो बैग्स में कुछ छोटे पौधे, टमाटर, बैंगन, मिर्च और बाकी क्रीपर्स या फैलने वाले पौधों के लिए आप ये बड़े गमले यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है मिट्टी का, कि हमें ग्रो बैग्स में मिट्टी कैसी भरनी है, क्योंकि हमारे पौधों की ग्रोथ या जो कुछ भी है, पौधे हमारे कैसे चल रहे हैं, मर तो नहीं रहे, वो सब कुछ मिट्टी पे डिपेंड करता है कि आप कैसी मिट्टी अपने पौधों के लिए बना रहे हैं। तो मिट्टी दोस्तों हमें ऐसी बनानी है जिसमें पानी रुके नहीं और न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी ना रहे। तो ग्रो बैग्स के लिए मिट्टी कैसे बनाएं, इसकी भी वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हैं। हमारे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। आपको मिट्टी, ये देखिए जो ड्रेनेज होल्स होते हैं आपके ग्रो बैग्स में, मैं दिखाता हूँ, ये पॉलीथिन का है बैग, ये देखिए ड्रेनेज होल है। जब आप इसमें वाटरिंग करें तो पानी इसमें रुका ना रहे, जमा ना रहे। आपके ड्रेनेज सिस्टम आपकी मिट्टी का अच्छा होना चाहिए ताकि वाटर ड्रेनेज होल से निकल आए बाहर। और मिट्टी में आप न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में दीजिए, तभी आपके पौधे विकास करेंगे। तीसरे नंबर पे दोस्तों बात करते हैं सीडलिंग्स की, कि आपको सीड्स जो है, चूंकि हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें सीड्स अच्छी क्वालिटी के चाहिए होते हैं। अगर सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो हमारे ग्रो बैग्स में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें अपनी वेजिटेबल्स को उगाना होता है। तो अगर सीड्स अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे तो आप उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा आपको। तो आप सीड्स अच्छी क्वालिटी के लीजिए और उन्हें अच्छे से जर्मिनेट कीजिए, उसकी जर्मिनेट करके फिर उन्हें आप डायरेक्ट ग्रो बैग्स में ना लगाइए, उन्हें आप सीडलिंग ट्रे में या फिर छोटे छोटे जो पॉट्स आते हैं सीडलिंग के लिए उनमें लगाइए और फिर उनसे ट्रांसप्लांट कीजिए ग्रो बैग्स में, फिर वो अच्छे ग्रोथ करते हैं। न्यूट्रिएंट्स, चूंकि जब सीडलिंग हम लगाते हैं तो उन्हें उस समय न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर जब हम उसे गमलों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं अपने ग्रो बैग्स में, तो फिर हम अलग से उसमें काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट अपनी मिट्टी के अलावा ऊपर से कंपोस्टिंग करते रहते हैं। फिर दोस्तों चौथे नंबर पे जो मेन चीज़ है वो वाटरिंग, कि जब हम पौधे लगा लेते हैं, हमारा पॉट हो गया है, हमारी मिट्टी तैयार हो गई है, अब हमारी सीडलिंग्स तैयार हो गई है, हमने उन्हें गमलों में ट्रांसप्लांट कर दिया है, अब उसमें वाटरिंग जो करते हैं हम, तो वाटरिंग की मेन समस्या होती है कि या तो हमारे पौधे ओवर वाटरिंग से मरने लगते हैं या फिर पानी की कमी से, दोनों ही चीज़ों में हमारे पौधों को नुकसान होता है। आप क्या करते हैं कि जब हम अपने पौधों में वाटरिंग करते हैं तो हम डेली, हम रूटीन बना लेते हैं कि हमें डेली उसमें
पानी देना है, चाहे हमारी मिट्टी सूखी हो या नहीं सूखी हो। हम पौधों की नीड नहीं देखते, पानी की ज़रूरत है या नहीं नहीं देखते। हम आते हैं और एक साइड से सारे पॉट्स में पानी देना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पौधों के सूखने का या मरने का, ग्रोथ ना करने का बड़ा कारण होता है। तो इसका भी एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी लिंक में जाके देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके गमले की मिट्टी इस तरह से नम है तो आपको उसमें वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि इस मॉइस्चर इस मिट्टी में भरपूर मात्रा में अभी है, और ज़्यादा पानी जब पड़ने लग जाता है तो रूट रॉट का खतरा बढ़ जाता है और पौधे की रूट्स ख़राब होती हैं, और जब रूट ख़राब होती हैं तो हमारा पौधा शुष्क हो जाता है और वो बढ़ना छोड़ देता है, ग्रोथ करना छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए आप मिट्टी, ये मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है, तो आप इसने देख लिया आपने मिट्टी सूखी हुई है तो आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है धूप। तो हमारे पौधों को धूप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि धूप से ही हमारे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण या आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बहुत शिकायतें होती हैं कि हमारे पौधे बढ़ तो गए हैं पर फ्रूट्स नहीं दे रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो धूप है। तो हमें अपने पौधों को कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे की धूप देनी चाहिए। बाकी धूप भी दोस्तों अब रेनी सीजन है तो धूप ज़रूरी है। जब मई जून की गर्मियां होती हैं तो उस समय हमें ग्रीन नेट का सहारा लेना पड़ता है, इसमें धूप छनके आती है, लेकिन धूप हमारे पौधों को मिलती है। अगर आप पूरी तरह से धूप से दूर रख देंगे पौधों को तो पौधे ग्रोथ तेज़ी से चल तो जाएंगे पर उसमें किसी भी तरह का फ्रूट्स या फ्लावरिंग नहीं होगा। तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स थे जो नए बिगिनर्स हैं, अपने टेरेस पे गार्डनिंग करना चाहते हैं या बालकनी में गार्डनिंग करना चाहते हैं उनके लिए, ताकि वो अपनी गार्डनिंग को इंजॉय कर सकें और अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जियां मेरी तरह उगा पाएं। और दोस्तों ये रेनी सीजन जो होता है ये किसी भी गार्डनर की स्टार्टिंग के लिए बहुत ही बेस्ट सीज़न माना जाता है, क्योंकि इस सीज़न में आप कोई भी पौधे ईजिली ग्रो कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस सीज़न में अगर आप गार्डनिंग शुरू करने के विचार कर रहे हैं तो इसी सीज़न में करिए। और इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आपको कुछ पौधे हैं जिनके साथ आपको गार्डनिंग स्टार्ट करनी चाहिए जो ईजी टू ग्रो होते हैं, जैसे भिंडी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, या फिर आप बेल वाले पौधे हो गए उन्हें लगा लीजिए। ये आपको इजी टू ग्रो हो जाएंगे और इसमें आपकी गार्डनिंग के जो गुण हैं वो आप अच्छे से सीख भी जाएंगे। फिर आगे आप किसी भी तरह की कोई भी प्लांट्स लगा सकते हैं। मेरी तरह देखिए आप, मूंगफली लगी हुई है, ये इधर अदरक लगा हुआ है, अरवी लगी हुई है, आप देखिए मक्का ढेर सारा। इनके अलावा आप जो पौधे हैं भिंडी, अदरक, बैंगन, टमाटर, मिर्च के अलावा आप लीफी वेजिटेबल्स लगाइए, चौलाई का साग लगाइए, पालक का साग लगाइए, ये भी इजी टू ग्रो हैं और कम केयर में आप इन्हें अच्छे से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।